गाइस वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और अभी डोरी सुबह सुबह यार डोरी को मम्मी ने काम दिया है नारियल फोड़ने का। के लिए बाहर से हाय करी। हाय पानी के लिए कटोरी कौन लाएगा? बाजू में छोटू के बेसन में गिरा देगा। और मम्मी यहाँ पे बर्तन संभाल रही है। आज नारियल इसलिए फूट रहा है क्योंकि आज हमारे घर बनने वाली इडली, तो बनाएंगे नारियल की चटनी। दिखा दिया, नारियल फोड़ रहा है। तो गाइस क्या है ना, अभी ना हमारे रूम का ना नल खराब हो गया था वॉश बेसिन का। तो अभी नल ना मम्मी ने रात में एक बार तोड़ भी दिया था, तो भी सही करते करते तो अभी ना प्लम्बर वाले भैया आए, तो भी आपको दिखाता हूँ। अभी वॉशरूम में ये लोग दिख रहे हैं। और अभी पापा दिखा रहे, देखो गाइस जो पाइप दिख रहा है ना वो लटकता हुआ, वही टूट गया था और नल में से पानी नहीं आता है। गाइस अभी जो सामान लगने वाला है ये लोग लेने जा रहे हैं। अभी पापा भी लेके जा रहे हैं, उनको दोनों ही जा रहे हैं, नहीं तो प्लान था कि मैं जाऊंगा। तो गाइस अभी देखो किचन में भी एकदम पानी पानी हो चुका है जमीन पे। अभी यहाँ पे पूरा इलाके में पानी पानी आपको दिख रहा होगा। और अभी भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पे पोछे का डंडा लेके आ रही है। तो गाइस अभी ऊपर के फ्लोर पे तो चल रहा है ये नल का काम, और यहाँ पे अभी मम्मी और किनुदी बैठ के बीन रहे हैं गेहूं। और अभी ततिया जा रही है रोटी बनाने। कहाँ गई है रोटी बनाने के नाम पे, कहाँ भग गई? रोटी बना रही ना तुम? नहीं। रोटी बना रही ना तुम? हाँ। तो अभी ये रोटी बना रही है और अभी यहाँ पे मल्टीटास्किंग चल रही है, हर जगह काम ही काम, और मैं बैठा हूँ टाइम पास करते। तो गाइस अभी ना किरोदी को जोश चढ़ गया कि इनको अपने बाल काटने हैं, इतने लंबे बाल। और अभी मम्मी ने इनको बोला तू जा यार यहाँ से, तो भी अपने बाल कटवा रही मम्मी से। पता नहीं इनको क्यों काटना है तुम्हें बाल। अरे वो नीचे से खराब हो जाते हैं डोरी। दो मैं ट्रिमर मार देता हूँ। बाल लेके आ जा। दुकान से अभी उधार पे लेके आऊंगा 25 रुपए में। क्या? ट्रिमर। वस्त्र फेर दूंगा। इसमें वस्त्र कैसे फेरेगा? नहीं नहीं यहाँ से। ऊपर से। गाइस ये देखो कट गई। गाइस अभी इनके बाल कटते करते हमारी आंटी बुलाती हमको ऊपर, वो पोछा लगा रही ना क्योंकि ना ऊपर छिपकली आ गई। चलो चलो बाहर गई थी मैं। अरे बाहर ही तो है। अच्छा धोरी एंटी गैलरी, इसलिए अभी बाहर छिपकली है गैलरी में। चलो चलो तो छिपकली को भगा देंगे। गाइस अभी आंटी का कहना है कि कूलर के अंदर। और ये क्या हो गया, अभी इसको फोल्ड करके रखना पड़ेगा। गाइस अभी आंटी का कहना है कि वो जो कूलर है ना उसके वहीं पे छिपकली। तो अभी हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे, जैसे ही पानी फेंक दे रहे कुछ नहीं करते बस। अभी देखो ये आ गई होशियारी मारने, होशियारी मारने आ गई। गाइस अभी मम्मी ना वहीं पे खड़ी है क्योंकि हमारी आंटी को ना छिपकली से डर लगता है और वो गैलरी धो रही है। तो अभी मम्मी बोली जब उनको गैलरी धो लेते 2-3 मिनट फिर जाके किरुदी के बाल काटेंगे। तो अभी जब बाल काटने आएंगे ना तब आपको दिखाऊंगा। गाइस अभी 10 मिनट के टाइम के बाद अभी वापस से बाल काटने आ गए हैं। ओ ये अरे गन्ने का जूस, चलो गन्ने का जूस पियेंगे। ये बाल काट रही गन्ने का जूस। भैया रुक जाओ। गाइस अभी आए हैं गन्ने के जूस वाले भैया और डोरी यहाँ पे ले रहा है उनसे ग्लास, ग्लास जूस, एक ग्लास जूस। वो भैया उन क्या बुलाते हैं सारा क्या? अब डोरी ले लेगा अपने लिए, इसको बहुत पसंद है गन्ने का जूस। और भैया एकदम फ्रेश डोरी के लिए नया गन्ना लेके उसका जूस जूस बना के दे रहे। और इधर इन लोग के बाल कट गए, कट गए क्या? पूरी अपना खुद का ग्लास लेके गया है वहाँ घर का उठा के। ले आओ। क्या रेट है, कितने रुपए ग्लास मिला? 20 रुपए। दिखा कितना आया? आधा। अरे बाप रे घर का ग्लास तो आते ही रह गया। पूरा तो आज जा रही गोरी के घर क्योंकि इसकी फ्रेंड लोग वहाँ पे आ रहे हैं सारे, है ना? तो अब ये बोल रही है हम तुम्हारे लिए मोमोज ला देंगे हमारे पैसे से। तो वो हम सोचेंगे, हमारे पैसे की इधर उधर से कलेक्शन करना पड़ेगा और हमारा ब्रो तो देने वाला नहीं है। बाय। हम लोग बाहर आए थे तो हम लोग को ये मंदिर देखा, ये मंदिर फेमस ही है, स्वामी समर्थ का मंदिर है। तो हम लोग ने सोचा कि आए हैं तो दर्शन कर ले तो चलते अंदर। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम लोग दर्शन करके आते हैं, बस यही तक बनाते वीडियो।
तो गाइस अभी हम लोग के हो गए हैं दर्शन और अब हम लोग जा रहे हैं घर। थोड़ा इन लोग ने नया गार्डन भी बनाया है बाहर, बाहर का गार्डन देख लेते हैं। गाइस अभी हम लोग के हो गए हैं दर्शन और अब हम लोग चलते हैं घर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डोरी का सेंटर देखने, है ना डोरी? हाँ, क्योंकि इसके स्कूल वालों ने भी बोला है कि एक बार विजिट करके आ जाना, और हम लोग भी जाने ही वाले थे, वो बोले या ना बोले लेकिन हम जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ एक बार जाके देख लेंगे रास्ता कैसा है, कहाँ से जाना है, फिर मान लो लेट हो गए हम लोग तो, इसलिए क्योंकि वहाँ पे रोड बन रहा है, गूगल ऐसे बता रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ के रास्ते से जाते क्या जाते, क्योंकि वो है 8-9 किलोमीटर। क्यों डोरी, कितने किलोमीटर है? पता नहीं, 9 किलोमीटर है। तो अभी हम देख के आते हैं। अभी हम लोग घर से निकल गए, मेन रोड पे आ गए। अभी यहाँ से देखते कितने किलोमीटर है। डोरी देख कितने किलोमीटर है लगा। अरे गूगल से 9 है ना। अभी डोरी का स्कूल ढूंढते ढूंढते आए हम लोग। इधर थोड़ा सा जंगल टाइप का, मतलब नया नया एरिया बन रहा है ये। इधर भैंस का तवेला भी दिख रहा है। डोरी का स्कूल आ गया अभी पास में। तो गाइस अभी हम लोग आ गए स्कूल में। ये स्कूल की बिल्डिंग है डोरी के। ये एंट्री यहाँ से नहीं है, वो वहाँ से एंट्री होती है, मैं यहाँ से नहीं होने देते वो एंट्री। इधर से होती है एंट्री, इधर से नहीं होती है, इधर से होती है एंट्री, ये यहाँ से होती है उधर एंट्री। बस और यहीं पे खड़े रहने देते, बस पेरेंट्स को वहां तक नहीं जाने देते। अभी हमको स्कूल मिल गया है, अब हम जा रहे हैं वापस घर। वहाँ खेलने आते डोरी लोग। तो गाइस ये स्वामी नारायण मंदिर है, ये हमारे रास्ते में ही पड़ रहा है। जाते जाते हम लोग नहीं जा रहे मंदिर, क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, दूसरी जगह भी जाना है हमको। ये पूरा बहुत बड़ा इस परिसर में बना है मंदिर। अभी हम लोग हमारी गली में आ गए, बिल्कुल घर में आ गए। अभी डोरी का स्कूल देख के कहाँ लगा रहे तुम, और आगे करो ना, कैसे कर रहे। अभी आ गए हम लोग घर में। अब जाके किनुदी आ चुकी है, अब बज रहे 6:30 और अब देखो अब जाके आई है ये, कितना लेट आई है। और मम्मी भी अभी सब्जी लेने गई थी ना। क्या कर रहे हो मम्मी, कब से इधर ही इधर। तो गाइस अब हो गई है रात और अभी आज का ब्लॉग करते हैं। तो अगर गाइस आज आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को जाके लाइक कर दो, चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब कर दो गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दो। तो बाय।